आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं वो उनका मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सुरजीत भाई हैं, फार्मिंग गुरुजी इनका चैनल है। आपको बहुत बहुत सादर नमन करते हैं भाई। अमित भाई राम राम। और सबसे पहले तो राम राम जी, राम राम। मैं आपके जो प्रयास हैं उनको मैं फिर से बहुत मैं प्रभावित हूँ आपके काम से। आपने जो प्रयास किया है, एक जो मुहिम शुरू की है आपने, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको हाथ जोड़ता हूँ कि आपने जो अपना ज्ञान लोगों के साथ साझा किया या दूसरे किसानों से मिल के उनका अनुभव लोगों के साथ साझा किया है, एक कड़ी का काम आपने किया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो तारीफ के मैं कहूँ उतने बड़े पुल बांध दिए, इसके लायक मैं था नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप इसके बिल्कुल वास्तविक हकदार हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो पाए। अच्छा सुरजीत भाई, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो बनाई हैं गौ के विषय में, जिसको हम गौ का एक सुनहरा भविष्य तो दिखा देते हैं, एक अच्छा वाइट साइड हम दिखा देते हैं, लेकिन बहुत से डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। बहुत युवा पैसा बहुत एकदम से खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर उनको अपने पैसे का नुकसान झेलना पड़ता है और वो डेयरी फार्म क्लोज हो जाते हैं। चाहे वो भैंस का फार्म हो, चाहे देसी गऊ का फार्म हो, चाहे दूसरी संकर नस्लों का, तो उसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे या फिर क्या वो ऐसा सुधार कर सकते हैं, जिन चीज़ों को अगर वो ध्यान में रखें तो वो नुकसान से बच सकते हैं। तो आप अपना जो स्वर्ण अनुभव है वो साझा करें। अमित भाई इसके लिए मैं तीन बातें बताऊंगा आपको जी। उन तीन बातों से ही लोग गलती करते हैं। उन तीन चीज़ों का यदि सुधार कर लें तो डेयरी फार्मिंग में वो टिके रह सकते हैं और इसको एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। जो तीनों बातें, एक एक बात डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात, हो सकता है सभी बिजनेस के ऊपर लागू होती हो लेकिन सबका मुझे अनुभव नहीं है, डेयरी के ऊपर 100% लागू होती हो। बात सबसे पहले होती है जल्दबाजी। अच्छा, जल्दबाजी किस मायने में मैं कहूँगा, जल्दबाजी ये कहूँगा कि दो तरह से लोग सोचते हैं। कई तो डेयरी करूँगा करूँगा ऐसा सोचते रहते हैं और जो करते हैं ना डेयरी को, वो इतनी जल्दी कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ब्रीड कौन सी सेलेक्ट करें वो समझ में नहीं आ पाती उनको। अच्छा, वो देखा देखी जल्दी कर लेते हैं। देखा अच्छा। और वो सुधार क्या करना चाहिए, वो जल्दबाजी ख़त्म कैसे, वो जल्दबाजी ऐसे कर लेते हैं कि फला आदमी की डेयरी चल रही है, कोई मेरे पास आ गया, मान लो मैं 8-10 साल से चला रहा हूँ, मेरे पास आ गया, बहुत अच्छे से चलती, उसको दिखाई देगी तो ठीक, उसको ही कॉपी करने में वो लग जाएगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, सोचने वाली जो बात है कि सबसे पहले आप ब्रीड को सेलेक्ट करें, और ब्रीड सेलेक्ट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके आसपास लोग जिस नस्ल का, जिस पशु के दूध के पीने की आदत उनको हो गई, आदि हो गए हैं, उसके ऊपर काम करो तो अच्छा रहेगा। एक तो उनको दूध बेचने में आपको आसानी रहेगी, दूसरा वो जो ब्रीड पाले हुए हैं इसका मतलब वो ब्रीड आपके उस क्षेत्र में कामयाब है। तो आप वही ब्रीड सेलेक्ट करें जो आपके क्षेत्र में कामयाब है। आप सबसे अलग हटकर यदि करना चाहोगे तो ऐसी संभावना उसमें है कि आप नुकसान खाओगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रीड यदि आपके वहाँ का रेट सेटल नहीं हुई तो वो दूध देना कम कर देगी और दूध से ही मुनाफा है। दूसरा, आप ऐसी चीज़ ले आए कि आपके क्षेत्र में लोगों को उस दूध के स्वाद का ही नहीं पता, तो फिर वो आपका दूध पिएंगे ही नहीं। तो जल्दबाजी एक तो ये हुई, दूसरी जल्दबाजी खरीदने में है। खरीदने में कैसे है, मान लीजिए किसी को भैंस का फार्म बनाना है, गाय का बनाना है, किसी भी नस्ल का, उस नस्ल के ऊपर चाहे तो आप सोशल मीडिया से, और सबसे अच्छा रहेगा कि ग्राउंड में फार्मों पर जाकर उस ब्रीड की एक एक चीज बारीकी से पहले जान लें। जानने का मतलब है कि जैसे मुर्रा भैंस है, केवल गोल सींग होने से मुर्रा भैंस नहीं हो जाती, वो एक्चुअल में मुर्रा भैंस होगी तो ही उतना दूध दे पाएगी जो आपने वीडियो देखी थी। और नए लोग क्या करते हैं कि मेरे जैसे 5-7 आदमी से मिले और अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं और भैंस खरीदने चल पड़े, वो भी एक जल्दबाजी हुई। उससे हमें बचना है। मतलब जो भी पशु आपको खरीदना है, पहला पशु आप जब खरीदें तो जल्दबाजी में न खरीदें, उसके बारे में, उस ब्रीड के बारे में पूरी जानकारी लेकर खरीदें। तीसरी जो जल्दबाजी होती है वो ये है कि हम दूसरे का 8-10 साल का चला हुआ जो तामझाम देखकर है ना, ये समझने लगते हैं कि ऐसे ही मैं भी चला लूँगा और मैं तो तुरंत पशु ले आऊं और उसके बाद सीखूंगा।
ये ऐसी सोच रहती है लोगों की कि प्रैक्टिकल सिखाएगा, प्रैक्टिकल उसको सिखाएगा जिसको थ्योरी का नॉलेज है, नहीं तो नहीं सिखाएगा। पशु का मामला इतना रिस्की मामला है, आपको समझ, आपके घर आप किसी के घर से लेके आए 20 किलो दूध की भैंस और आपको पता नहीं है, तो आपके घर आकर वो 8 किलो दूध भी देगी कि नहीं देगी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? पशु जब गाड़ी में लोड होता है तो उसको थकावट होती है, आके आपके यहाँ आपको एडजस्ट करना आता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो पहले दिन से ही नहीं होगा। तीसरी जल्दबाजी, दूसरों के दिखावे में बहकावे में बिचौलिए को साथ लेकर करते हैं हम, जो कि सबसे बड़ी ठगी का कारण होती है। आपको जब तक रेट का नहीं पता तो आप उसको ना खरीदें। आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि 15 किलो दूध की भैंस किस कीमत में खरीदूं कि उसका एक लैक्टेशन में वो कीमत पूरी कर दे। और नया आदमी इसके बारे में सोचता ही नहीं, 3-4 महीने फार्म सही चलता है जब तक वो ताजी भैंस होती है चलेगा। तो पहली बात जल्दबाजी, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये तीन जल्दबाजी के अंतर्गत भी मैंने 4 बातें बताई, उन 4 बातों को शुरू से अपनी गांठ बांध लें तब फार्म शुरू करें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आदमी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देता है, सबसे बड़ी गलती है ये। देखिए अमित भाई, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये अनुभव भी हो सकता है, व्यक्तिगत सुझाव भी हो सकता है, 90% लोग बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस काम को करते हैं। और एक बेरोजगार इस काम को करता है, या फिर जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके वो तो अपने इतने असिस्टेंट हायर कर लेगा, डॉक्टर भी हायर कर लेगा, सेल परचेज वाला भी हायर कर लेगा, उस बात से मतलब नहीं है। पैसे की जब बात आती तो बेरोजगार शुरू करता है तो वो या तो लोन लेके शुरू करता है, या फिर अपने पिताजी की जमा पूंजी से शुरू करता है, या किसी रिश्तेदार से लेकर शुरू करता है। इस काम को करने के लिए पैसे का प्रबंध सबसे ज़रूरी है। और पैसे के प्रबंध में गड़बड़ कहाँ होती है? आपने जिद कर ली कि मैं डेयरी करूँगा और आज 100 में से 90 पेरेंट 90 माँ बाप नहीं चाहते ये डेयरी करें। माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये अनपढ़ का काम है, गोबर का काम है, गोबर दिखाई देता है। माँ बाप उसको सबसे पहले डिमोटिवेट कर देते हैं, फिर भी उसने बहुत ज्यादा जिद कर ली तो जो जमा पूंजी उसको सौंप देते हैं। वो आपने जमा पूंजी जो ले ली उसके ऊपर आपका ये फोकस होना चाहिए कि ये मैं वापिस कितने दिन में निकाल लूंगा। दूसरी बात, आपके माँ बाप की नहीं है तो बहुत ज्यादा रेंट पर, उस पर ब्याज पर लेकर पूंजी लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ा खतरनाक और उससे भी खतरनाक है। आप अनट्रेंड हैं और ये जल्दबाजी यदि कर रहे हैं और आपकी किसी भी सेटिंग से, किसी भी बैंक से आपका डेयरी लोन सेंक्शन हो गया तो उसमें एक बहुत बड़ा सपना दिखता है कि 25% की सब्सिडी है, 45% की सब्सिडी, अलग अलग स्कीम चलती रहती है, उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना जाएं। आम आदमी ये सोचता है कि 1 करोड़ का लोन ले लिया तो 25 लाख की सब्सिडी होगी, 25 लाख मेरी बचत हो जाएगी। वो आपकी बचत 25 लाख हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। वो 25 लाख आप उसमें डाल दोगे और आपकी जो पुश्तैनी जमीन है ना वो तक बेचनी आपको पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? 25 लाख आपको दिखाई देने लगे, आप गाड़ी में जाके भैंस लेने जाओगे, गाड़ी सबसे पहले खरीदोगे, 4 मेरे जैसे साथ रखोगे। पैसे का मतलब ये है कि एक पशु के ऊपर आप ये अंदाज़ा लगा के चलें, सबसे पहले जो इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, एक पशु की जो ज़रूरतें हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, पेड़ों की छांव और हरा चारा पूरे साल, ये उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उतना ही खर्च करें। भैंस तो हम लेके आ गए 1 लाख की और उसको बांधने के लिए खर्च कर दिए हमने 5 लाख रुपये, कभी नहीं निकलेंगे। नया आदमी गलती यही करता है कि उसको 10 भैंस का यदि प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके, और उसके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए हैं, तो वो उसमें ये समझो अमित भाई 8-9 लाख रुपए शेड के ऊपर ही लगा देता है, जो कि रिकवरी होने बड़े मुश्किल है। पैसा तो शेड से नहीं आएगा, पैसा तो पशु के उत्पादन से आएगा। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है ना पैसे की है, धीरे धीरे बढ़े आगे। आपके पास आज 20 लाख रुपए हैं तो आप शुरू में 2 या 3 जितनी भैंस आप शुरू में संभाल सकते हो, खुद काम कर सकते हो, वो प्रैक्टिकल सिखाएगा आपको, लेबर वाला अनुभव आपको नहीं सिखाएगा। उससे काम कराओगे उसमें आपने क्या सीखा, वो जैसे आपको चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा। तो अमित भाई 20 लाख रुपए हैं, डेयरी करनी है तो अपनी खुद की क्षमता देखो कि मैं शुरू में पहले 6 महीने कितने पशु संभाल सकता हूँ।